नंबर वन, मानेसर हरियाणा में 21 से 23 मार्च 2023 को आयोजित 13th अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में चक्रव्यूह ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? राजस्थान पुलिस। नंबर टू, हरियाणा में 23 से 25 मार्च 2023 को आयोजित 19th माउंटेन बाइक साइकिल नेशनल चैंपियनशिप की जूनियर कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने पहली बार कांस्य पदक जीता है? मनीषा चौधरी। नंबर थ्री, भारतीय वुशु संघ की ओर से जालंधर में आयोजित 6th फेडरेशन कप महिला पुरुष वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल टीम का खिताब किस टीम ने जीता है? राजस्थान वुशु टीम पहली बार। नंबर फोर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 को दिल्ली और मध्य प्रदेश में आयोजित में राजस्थान कुल 48 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? फोर्थ नंबर। नंबर फाइव, कश्मीर के गुलमर्ग जिला बारामूला में 10 से 14 फरवरी 2023 को आयोजित तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में राजस्थान कुल कितने पदक जीतने में सफल रहा? 10 पदक, 6 रजत, 4 कांस्य। नंबर सिक्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जयपुर की किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल की विमेन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता? शोभा शेखावत। नंबर सेवन, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 22 से 26 मई 2023 को आयोजित 45th नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भरतपुर पुलिस की किस महिला हेड कांस्टेबल ने महिला वर्ग के 50 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? मनीषा चाहर। नंबर एट, जयपुर में 28 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक नॉर्थ वेस्ट जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आयोजित रिंग ऑनफिशियल एवं फिजिकल क्वालिफाइंग टेस्ट में 3-स्टार बॉक्सिंग रिंग ऑनफिशियल रेफरी जज में किसका चयन हुआ? कृष्ण शर्मा। नंबर नाइन, राजस्थान पुलिस की किस खिलाड़ी का वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए अखिल भारतीय पुलिस बॉडी बिल्डिंग टीम में चयन मई 2023 में हुआ? संजू लवानिया। नंबर टेन, चांगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में भरतपुर के किस खिलाड़ी ने 50 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता? रुद्रांश खंडेलवाल। नंबर 11, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विद्यावारिधि की मांद उपाधि से राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा 26 अप्रैल 2023 को किसे सम्मानित किया गया? अपूर्वी चंदेला। नंबर 12, एशियन कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयनित होने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तनिष्क पटवा, उदयपुर। नंबर 13, 26 से 28 मार्च 2023 को पुणे महाराष्ट्र में आयोजित भारतीय सिविल सेवा एथलीट चैंपियनशिप 2023 में एथलेटिक्स लॉन्ग जंप में किसने कांस्य पदक जीता? सारिका यादव। नंबर 14, वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के मामले में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान। नंबर 15, कन्हैया लाल सेठिया कोमल कोठारी डॉक्टर सीताराम लालस एवं विजयदान देथा के नाम से नव घोषित पुरस्कारों के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? 11 लाख रुपए। नंबर 16, 66th नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे? 6 खिलाड़ी। नंबर 17, प्रदेश की लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए गठित किए जाने वाले लोक कला विकास बोर्ड में कितने गैर सरकारी सदस्य होंगे? 7 सदस्य। नंबर 18, मुख्यमंत्री द्वारा जून 2023 में दी गई स्वीकृति के अनुसार प्रदेश में किस स्थान पर फुटबॉल अकादमी स्थापित की जाएगी? कोलिडा, सीकर, बांसवाड़ा। नंबर 19, कालीतीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 जून 2023 को किया? धौलपुर। नंबर 20, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताएं कितने दिन चलेगी? 4 दिन।